टी में हमने एक व्यू लिया था कि 100 पॉइंट तक का गैप अप मिलेगा ये 76 पॉइंट दिखा रहा है वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा गैप अप होगा मेरे ख्याल से 120, 120 130 पॉइंट तक का गैप अप होने के चांसेस हैं मेरे ख्याल से हम खुलेंगे सीधा कल के हाई के ऊपर बाईस चार कल का हाई था मेरे ख्याल से बाईस चार सौ पचहत्तर तक हम खुलेंगे ये मेरा एक मानना है तो मैं पहले तो स्ट्रैटेजी को एडवाइस डिवाइज करूँगा उन टर्म्स में कि जो कल लॉन्ग लेकर गए देखिए आपने अगर कल थ्री ट्वेंटी फाइव पर लॉन्ग करा है और मैं बार बार इन चीज़ों को बोलता हूँ हर तरीके का ट्रेडर होता है तो इसके लिए एक व्यू तो ये है कि आप बने रहे मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने कल तीन पच्चीस पर लॉन्ग किया मान लीजिए और आज आपको सीधा सौ पॉइंट खुलते ही मिल रहे हैं और अगर आप स्पेशली ऑप्शन के थ्रू उस ट्रेड को लेकर गए तो सुबह सुबह आपका ऑप्शन अगर अच्छा आपकी ग्रिप में आए उसको तो बुक कर लीजिए कल वाला जो बी टी या उसको आधा बुक कर लीजिए और बाकी आधे को अपने कॉस्ट प्राइस पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें यह एक तरीका है ठीक है स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हैं तो बने रहें और आपका स्टॉप लॉस होगा अब बाईस का बाईस पर भी आपका लॉस नहीं होगा प्रॉफिट ही होगा लेकिन वो आपके लिए एक नया स्टॉप लॉस होगा अब आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर वो कहाँ बाय करना है पहला रेजिस्टेंस है आपका बाईस चार सौ पचास से बाईस पाँच सौ पैंतीस हम वहीं खुलेंगे ऑप्शंस के हिसाब से वो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है कल भी हमने इस जोन की बात की थी ये इतनी आसानी से नहीं निकलता है नॉर्मली अगर निकलना है तो आज शायद शॉर्ट कवरिंग के दम पे निकल जाए और बड़ी रजिस्टेंस आपको मिलेगी उसके बाद सीधा बाईस से बाईस हमारे ऑल टाइम हाई का जोन बाईस सात सौ पचहत्तर सपोर्ट कहाँ पर है पहला सपोर्ट है आपका बाईस तीन सौ दस से बाईस तीन सौ बाईस अच्छा एक और चीज़ जो हमको थोड़ा कंफर्ट दे रही थी कि जो परसों मार्केट ने टेन और ट्वेंटी डेमा क्रॉस किया और उसके ऊपर टिक गए तो उससे भी एक और कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि अब मार्केट इसके ऊपर टिकने को तैयार है तो ये एक आपका पहला सपोर्ट है और बड़ा सपोर्ट है आपका बाईस एक सौ पचास से बाईस दो सौ जहाँ पर आपका फिफ्टी डेमा है और जहाँ पर आपका ऑप्शन का जोन है नई एंट्री कहाँ करनी है आपको बाईस तीन सौ पचास से बाईस पाँच सौ का चार सौ का कोई भी डिप मिल जाए खुलने के बाद ऑब्वियसली अगर एज्यूम करिए बाईस चार सौ पचास पर खुल रहे हैं उसके बाद अगर आपको बाईस तीन सौ पचास से बाईस चार सौ का कोई डिप मिल जाए वहाँ पर बाई करिए और बाईस तीन सौ पच्चीस का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए शॉर्ट के बारे में सोचना भी नहीं है मार्केट में क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें